देखो उसको तो देखो कहाँ है। अरे भैया दादी देखो देखो गोबर से हाथ भरे और जाके धो हमें लेट कर दी। ए जे वाला नहीं गुलाबी वाला रे छोटा सा पर उड़ के आए बेटू क्या भाई मैं लटर गया। पूरी पूरी रोटी ये वाली भी भी ना भी 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 ना भी 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 ना ना अरे अरे भीनू 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 एक तो बड़ा ली छोटी सी मीठी वो भी उठा लो बड़ा भी तोड़ रहे हैं बिनो 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 एक और मम्मी सुआ कतरी लगी थी चटनी बना लेंगे उसी के आगे लगी अभी नहीं खाओ ना अला खट्टो लग जाएगा मूड़े में अला खट्टो वहां से तुम लोग अभी भी दिखा कितनी बड़ी है देखा देव देव देखा भी मम्मी नींबू तोड़ रही है नींबू भी लगा मम्मी ये वाली पकी देखो ये भी कच्ची नहीं तोड़ी तोड़ नहीं तोड़ी वो लगी है पर कच्ची है अभी और लो लगा दे टोपा अरे हम टोपा लगा ला या इसे है ना या हाँ अच्छा लगा बंडी नहीं पहनना आप जे अभी मंजन कर ले दादी नाथन ये सबसे अच्छी बात है पूजा इनको कोई बीमारी नहीं है शुगर बीपी जैसी आदत पड़ गई है ना कौन देखी वो खवाई तो क्या है टिप्पू के यहाँ चले जाना चलना दद्दा हम इधर चलोगे एक जन हम यहाँ आ जाना है? कैसा है तोस तोस अच्छा है मीठा है हमरे घर चलब हमरे घर चलब हम ना जावे काहे गैया है से तो गैया को भी ले चलब गैया कहाँ रही है काहे जब गैया जाई है तब फिर लौट के जगह हम ना आवे अच्छा हाँ ऐसन अच्छा लगता है सबसे बड़ी बात इसलिए रह रहे हैं है ना जब मूड़े आ जाएंगे तो खुद ही नहीं रहेंगे है ना दादी कोई चीज जब मूड़े आ जाएगी तो खुद ही मन नहीं लगेगा है ना अभी लग रहा है तो फिर अबे मन लग रहा लगने तो अबे अच्छा लगा देव आप भी जाओ और खा ला नहीं का है होगा ठीक मीठा चाय आज चाय में दूध नहीं डाला अरे काली पी जा साल भर काली पी जाते अच्छा ठीक है कल की दद्दा को चाय अच्छी लगी रही दूध वाली है होएगा ठीक है पीला नहीं काली हमने पीला का थी वो को शक्कर ज्यादा रहा हो अच्छा शक्कर ज्यादा रहा तो चाय अच्छी लगा थी देव उठो आप भी तुम मीठी कुनकुना रही कि देव
जल्दी उठो तुम भी, चलना है अपन को घूमने। चलो जल्दी, 9 बजे वाला है टाइम। 9 बजे वाला है और क्या, 8:18 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल का ब्लॉग हमारा यहीं से एंड हुआ था। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि हमें ना दादी कहीं आसपास ऐसे ही होता है ना, गांव में अक्सर क्या होता है, अगर हम इस गाँव में हैं तो हमें उस गाँव घुमाने ले जाते हैं ना, जहाँ मेरी दादी पहले रहती थी ना, नकटी गाँव था, झिन्ना था, वहाँ पर रहती थी। अभी तो सिहोरा में आई थी, फिर उसके बाद यहाँ गई हैं। तो मैं, हालांकि दादी जी को कहीं और अच्छा नहीं लगता है। पहले भी वो जबलपुर आई थी बहुत सालों पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद इनको यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खास करके जो गांव में रहता है ना, जैसे कि हम शहर है तो हमको शहर ही अच्छा लगेगा, कुछ दिनों के लिए गांव अच्छा लगेगा पर शहर ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी वही परवरिश हुई है ना, हम वहीं पे रहे हैं बचपन से। ऐसे ही दादी लोग शुरू से गाँव में रही है तो उनको गाँव में ही अच्छा लगता है, शहर में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फिर मैंने देखी वहां का जो है, मेरी दादी के घर के जो खपड़े हैं वो तक सही नहीं है। जो यहाँ पे बोरियों में अंदर सामान दिख रहा है तो वो ना उसमें भूसा रखा हुआ। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे आरती जी आपकी दादी का घर बहुत अच्छा लग रहा है, आप दिखाइएगा जरूर, होम टूर दीजिएगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर दूंगी। पर मुझे भी हाँ ऐसा घर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शिव सो गया था सो मैंने उसको अंदर आके लिटा दिया था, क्योंकि ठंड का समय था, बच्चों को कहाँ हम रखेंगे। इस वजह से देव को और अपनी सिस्टर की बेटी को और शिव को एक पलंग में लिटा दिया। ये मच्छरदानी और जो कंबल था ना वो हम घर से लाए थे। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, दादी के यहाँ इतने बिस्तर भी नहीं है कि हम रात रह सकते है ना, और दादी ने इसलिए अभी के लिए तो मना किया था कि अभी मत आना करके, ठंडी है। पर देखिए कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमने कहा नहीं, अभी समय बना है तो अभी चल जाए, क्योंकि हमारा पहले का ही ना बहुत दिनों से हो रहा है कि हमें जाना है जाना है, और अब जा पाए हैं। और ऐसी जिंदगी के लिए मैं कब से तरस रही थी, ऐसे पल के लिए। तो यहाँ पे ना मम्मी ने मेरी 2-3 कंबल लेकर आई थी, मैंने भी लेकर आई थी, हमारे साथ बच्चे थे, हम तो कैसे भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर बच्चों का है ना। तो दादी क्या, मुझे 2 रूम है और एक किचन है और एक यही हमारे मतलब शहर टाइप कहते हैं हॉल, पर यहाँ पे कहते हैं बारंडा पर्ची। तो पूरा गांव का ही माहौल था, पूरा पूरा, क्योंकि गांव में ही है ना। अच्छा मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने कल वीडियो देखा था तो आप लोग बोल रहे थे आपके दादाजी बहुत इनोसेंट हैं, बहुत शांत हैं, सरल हैं। तो जैसे मैं बताऊं, वो नहीं, सभी जो जितने गांव के होते हैं ना तो वो ज़्यादातर ऐसे वो नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही सीधे होते हैं। तो यहाँ पे दादी का देखो, देखिए 2 लोग थे तो 2 लोग का कैसे भी एडजस्टमेंट हो जा रहा था। और मैं बता दूँ कि मेरी दादी और दादाजी का जो इनकम सोर्स है ना वो ये है कि उनको पेंशन मिलती है, और खेतबाड़ी में ऐसा कुछ होता नहीं कि जिससे वो बेच के अपना पेट भर सके, ऐसा कुछ लगा है थोड़ा, वो सरसों अरसों लगा है तो वो ना गाय को खिलाने के लिए हो जाता है, और इतना ज़्यादा है भी नहीं, कोई करने वाला भी नहीं है यहाँ पे, तो उनको यहाँ अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी लोग बोलते हैं, मेरे और भी जो हैं परिवार के वो लोग भी बोलते हैं, पर उनको नहीं आना। और तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी नहा के आई हैं और नहा के वो पूजा पाठ कर रही हैं, और यहाँ पे बार बार शिव उठ रहा था। मैंने कहा पहले उसको मैं सुला दूँ, क्योंकि अगर वो जागा तो फिर उसको एक जन चाहिए ही चाहिए और कोई भी फिर काम नहीं कर पाएगा। तो मेरी दादी और दादाजी के चेहरे में अभी तो बहुत रौनक है, वो खुद ही कह रही थी और जब तुम लोग चले जाओगे हमको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे देखिए मेरा मन पता है कि यह है कि मैं और रुकूंगी, और मुझे ये भी नहीं पता सच में कि मैं कब तक रुकूंगी। और कुछ लोग, मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि मैं लड़ झगड़ के आई हूँ इसलिए यहाँ पे आई हूँ। नानी माँ प्यारी प्यारी नानी मिठी, देखो गुच्छा, देखो इधर, देखो गुच्छा, देखो देखो दोनों कैसे बैठे है, देखो तो पूजा आपके बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और कल तो घूमने चलना है दूसरे उधर पे, दूसरी जगह, बताओ ना अच्छा लगा हमको नानी के, बताओ।
अच्छा तो यहाँ पे ना हम लेकर आए थे ताजी ताजी लहसुन की पत्ती और चटनी खाएंगे, जैसे दादी दादा लोग खा रहे हैं ना चटनी चावल अचार चावल। तो दादी हमारे लिए बोलती दाल बना लो ये बना लो। एक दो दिन तक हम खाने का नहीं, जहाँ हम आए जैसे आए वैसे ही हम खाएंगे तो और भी आनंद आएगा। तो ये तेल वेल के पैकेट ना थोड़े बहुत मम्मी अपने घर से लेकर आई थी कि दादी के यहाँ नहीं है करके। दादी का होता है राई का होता है ना, और जैसे मेरा फास्ट था तो राई का कहते हैं कि उसका हम उपास में नहीं कर सकते, वो अन्न में आता है। तो मम्मी मीठा तेल ले गई थी और यहाँ पे ये उपास का नमक भी ले गई थी है ना। तो मेरा आज तो उपास नहीं है, कल को उपास है। एक मैं टमाटर की चटनी बनाई है जो कि बिना लहसुन और वाली है ना, क्योंकि मम्मी मेरी नहीं खाती। तो फिर उसके बाद हमने बनाई थी टमाटर लहसुन की पत्ती और मिर्ची। और सच में जैसे ताजा करके खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है ताजा को। तो हमारे ना ताजा अदरक भी लगा है, आपको आगे बताते हैं। बब्बा को भी दे दो खाने का। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे लगाया जा रहा है बिस्तर। बिस्तर दादी के यहाँ नहीं थे, पहले ही वीडियो में बता दिया था। तो तिरपाल रखी हुई थी ना, तो तिरपाल बिछा रहे थे हम। पहले क्या होता था, पैरा बिछाया जाता था हमारे गांव में। पैरा आप लोग जानते होंगे उसका रहता था, मुझे भी नहीं पता, पर पैरा बिछाते थे। यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है पैरा वगैरह की। तो दादी ने कहा प्लास्टिक की सीट बिछा लो, और दादी के यहाँ एक ही खटिया है तो ऐसे तैसे तो दो लोग आराम से रह ले रहे थे, पर हमारे लिए दादी ने बोला चलो ये कर लो। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट डे मिल रहे थे, और देखिए एक मेरा बेल्ट का ना जो वो होता है ना चिपकाने वाला, उसका गम ही खत्म हो गया, इसलिए ऐसा है। अच्छा उसके बाद हम और शिव जा रहे हैं, मतलब 11-12 बजे थे तो हम वहां जा रहे हैं। हाँ दादी के साथ सरसों खोटने, आराम आराम से जाओ देव। दादी के साथ जा रहे हैं सरसों तोड़ने, हमें बहुत अच्छा लग रहा था सच में। और इतना अच्छा लग रहा था जितना अच्छा आपको लग रहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए दादी ना खोटी रही थी। अच्छा दादी लोग गांव वाले लोगों को क्या होता है कि ना एक मिनट कभी फुर्सत नहीं मिलता, एक मिनट कभी समय नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना। तो दादी यहाँ पे मैंने बता दिया था दादी को कि दादी वीडियो बन रहा है। अच्छा मैंने दादी को बताया ना जैसे कि दादी मतलब बहुत पूरे भारत से देश विदेश से लोग देखते हैं, तो दादी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, गर्व महसूस कर रही थी मुझ पे। और मुझसे दादी यही फिर बात कर रही थी कि बहुत अच्छा किए बिटिया आप, आपन अंग जो दूसरे को दे दिए, ऐसे करके अपनी भाषा में बोल रही थी, को नहीं करता ये वो करके। तो हमने कहा हाँ दादी वही सब बातें हुई कि देखिए घर को बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं था। और ऐसा नहीं है दादी लोग को पता चला था पहले, पर उनकी स्थिति नहीं थी कि वो यहाँ पे आ सके ये वो, तो इसलिए फिर मैं चली गई है ना। अभी आप लोग से भी कभी जिक्र नहीं किया था इस इन सब बारों में है ना। तो यहाँ पे देखो शिप का बढ़िया टकला, उसकी धूप लग रही थी यहाँ पे, खिली खिली धूप आ रही थी। दादी ने अच्छा खाना पीना सबने खा चुका था और उसके बाद ही हम यहाँ पे आए थे। और मैं आप लोगों से हाँ यही कह रही थी, तो फिर दादी बोलती है कि बहुत अच्छा किए बिटिया हमारा नाम रोशन कर दिए, ये देखो असली गाँव की छोरी दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ है ना। तो दादी इसी बात में हंस रही थी कि क्या कर रही हूँ मैं। मैंने कहा दादी मैं ऐसे ही लेकर जाऊंगी ये देखो। अरे भैया बंद हो गया हो गया हो गया दादी हो गया ऐसे ना हो गया ना ऐसे बिना पानी की हो गई हो दादी। अब पानी पीते ना पानी लगे बोन है हाँ। यहाँ पे बहुत क्वांटिटी में भी लगती है। दादी ने बोली थी तोड़ लो तुम लोगों को जितनी खानी है, इतनी तो हम खाएंगे नहीं पर हाँ तोड़ने में बहुत मजा आ रहा है। और मिर्ची भी इतनी सारी बहुत सारी। और मेरी मम्मी देखो अभी तक वो तोड़ रही हैं भाजी। और ये उस साइड का खेत दिखाया था ना, ये भी पूरा उन्हीं का है। और बेलपत्री के झाड़ भी बहुत 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 सारे लगे हैं। वो बेलपत्री का झाड़ है वो भी लगी है, ये हम देखते हैं। और देखो ये मेरा बेल्ट लगा ही हुआ, मैंने बेल्ट नहीं निकाला है ना।
बिल्कुल भी बैड, नींबू भी बहुत क्वांटिटी में लगे हैं सच में। अरे देखो हाँ क्या वहां से भी तोड़ने, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भी लगी है, देखो बढ़िया ताजी भी तोड़ो और ताजी भी खाओ, जितनी खरीद के खाने में मजा नहीं है ना उतनी तोड़ के खाने में। तो ये हमने तोड़ ली है, अभी हम जा रहे हैं। लो मम्मी को दिया दो लड़के, मम्मी को दिया अंडूड है। हाँ अंडूड मम्मी जेब में रख रहे हैं, क्यों दे क्या नहीं, मम्मी खाने को बोल रही थी तेरी, मैं तो नहीं खाऊंगा, आओ जल्दी मीठा, यहाँ पे भी आपको घुमाए देते हैं ना, पता नहीं फिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अभी आपको हम दादी घर का होम टूर ब्लॉग भी देंगे है ना, मेरी दादी घर का बहुत प्यारा घर है, मेरी सारी मिर्ची के झाड़ हैं, करने के लिए बहुत कुछ है पर ये है कि अब उनकी हिम्मत नहीं होती है, मिर्ची भी देखो मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा था। ये देखो ये सारे मिर्ची के झाड़ लगे, ये और मेरे दादा दादी जी लोग ना बहुत सिंपल खाना है, मतलब मेरे पिताजी का जन्म यहीं पे हुआ था, इसी घर में हुआ था। अब रहने दो बाद में तोड़ेंगे, आ जाओ हम जा रहे हैं, शिव रोने लगा है इस वजह से, इनको भी ध्यान देना है ना, चलो हमको सुला दें उसके बाद। और देखिए दो गाय भी हैं, पता नहीं आप लोग को दिखाए नहीं दिखाए, ये बाहर का पूरा बैकग्राउंड है ये, हाँ हाँ अभी अंदर का आप लोग को अच्छा। उसके बाद ना दादी ने थोड़ी थोड़ी चना भाजी भी डाली हुई थी, चना डाल दी होती ना, चना की भाजी हो गई थी। आप लोग में से किस किस को पसंद है, किस किस के यहाँ खाई जाती बनाई जाती कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ खुटवा रही थी, ये सब करने में ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे मैंने ज्यादा तो नहीं खोटी थी, मम्मी नहीं खोटी थी। और अभी आपको मैं जीन्स पहने दिख रही होंगी ना, एक्चुअली हमने रील बनाई थी जो कि आपको एक एक करके मिलेंगी, ये सरसों के खेत में वो एक गाना है ना, देखा तुझे जाना सनम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो वाला हमने रील किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था है ना। और राई भी अच्छी हो गई थी बट अभी पकी नहीं थी, तो चना की जो भाजी लगी थी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगी थी, पर दादी ने इतने बनाने खाने के लिए सरसों का साग लगाया है, आलू लगाया है, पर ज्यादा आलू नहीं होंगे, एक डेढ़ दो किलो के लगाए बस, थोड़ी सी लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है, तो थोड़ा थोड़ा ही लगाया है ताकि जो उनका जिंदगी है वो ऐसे ही चले। ये देखो हमारे दादाजी अभी है ना सरसों दादी लेकर आई थी खोंट के जो आपको दिखाया था, तो हमारे दादाजी ये गाय के लिए कर रहे हैं, गाय के लिए पतला पतला काट रहे हैं, ये वो होती है ना कुल्हाड़ी से, फिर इसको भूसा में मर ऐसे करके सानी लगा के और फिर गाय को खिलाएंगे। तो ये देखो छोटा छोटा कट कर रहे थे, ये देखो ये पूरा सरसों है, तेरे कांग भाग गया काटे, अच्छा ठीक है काटो ना, घर भाग गई, हां काट दे तो बना साल, ठीक है वाले, तो कल ही तो आए हैं, बता पहले बताती हम लोग सोकर भी उठ गए, क्या हो गया अनसुईया का फोन,
कहा हम बाज ना बैठाए। हम लोग सोकर भी उठ गए और दादी देखो लगी है दादी देखो देखो गोबर से हाथ पेड़े और जाके धो हमें। और तो दादाजी ने मुझे मजाक में बोल रहे थे कि तोहरे खान का भाजी काटते हैं मतलब है ना, और ऐसे होते हैं ना, और बता दादी पोती पोता का एक रिश्ता ही अलग होता है, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और मेरे दादाजी ना बार बार रोने लग रहे थे, तो मैं बोल रही थी मत रो दादाजी आते रहेंगे ये सारी बातें, अभी तो हम लोग हैं जितने दिन हम लोग हैं बस हंस हंस के काटना। और यहाँ पे दादी को मैं बोल रही थी दादी देखो सब लोग देख रहे हैं, दादी लोग यही बोलती थी दादी और बब्बा कि कहाँ कोई देख रहा है। हमने कहा जब ये वीडियो जाएगी ना जब सब लोग देखेंगे तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँ उनको कमेंट पढ़ा सकूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए उसके बाद ना जैसे मैंने अभी आपको बताया लहसुन लगी है, अदरक लगी है और भी चीजें, तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को कि अदरक भी हमारे यहाँ लगी है पूरा ना अदरक का है, तो जैसे चाय वाय के लिए ना इसकी पत्ती भी डाल दो तो भी टेस्ट हो जाता है। और अदरक को खोद के डाल रही हूँ, ये देखिएगा इसको खोद रही हूँ मैंने, और मैंने इसकी ना बहुत सारी अदरक खोद के मैंने सोचा है कि मैं घर भी लेकर जाऊंगी, तो ये ऐसे नहीं निकल रही थी खुरपी से निकलेगी, ये देखो इतनी सी टूटी है। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि नई हुई हो अगर नीचे से अदरक तो मत तोड़ो, मैंने कहा नहीं मम्मी वो ऊपर से ही तोड़ गई थी, नीचे खुरपी से हम खोटेंगे ना तो अच्छी से हो जाएगी। और ये सब करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। चलिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे दादा दादी का गांव अच्छा लगा हो, घर अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा जरूर, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और शायद कल या परसों को हम चले जाएंगे, थोड़ा सा मुझे भी दुख हो रहा है आपको भी होगा ना। तो हमारे यहाँ पे बब्बा हमको कुछ देने आने वाले थे मतलब खुरपी, तो हमने कहा रहने दीजिए क्योंकि उनको देखिए दिखाई देता है पर साफ दिखाई नहीं देता, एक्चुअली उनके अंदर की आंखों की पुतली है ना, डॉक्टर को दिखाया तो था कि उनका ऑपरेशन करवा देंगे 2-3 साल पहले, पर डॉक्टर ने मना कर दिया, जो उनकी आंखों की पुतली है वो पक्के अंदरी के अंदर फूट गई है, तो अब उनका ऑपरेशन होगा तो कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं हुआ वरना ठीक हो जाते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा उनको दिखाई देता है मतलब पास का दिखाई देता है, और पास से बोलो तो सुनाई देता है ना, दूर का सुनाई देता है ना दिखाई देता है। तो हमारी देखो ये अदरक खोदने की प्रैक्टिस जारी ही है, और ऐसे ही हम ना हमने दादी से कहा कि दादी हम बहुत सारी चीजें को इतनी बड़ी अदरक हो गई ना, तो हमने कहा कि दादी आज हम तुम्हारा पूरा खेत झरमोट डालेंगे, उनने बोला झरमोट डालो। चलिए बाय बाय।